मुंबई में अरिहंत यंग ग्रुप के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह एवं कमेटी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण एवं इंडोर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस जश्न आजादी के मौके पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन माननीय मनिंदरजीत सिंह बिट्टा एवं कर्नल मनोज कुमार ने तिरंगा फहराते हुए विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए जय हिंद के नारे लगवाए। हमारे यहाँ ऑनरेबल चीफ गेस्ट बिट्टा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दो शब्द कहें। शहीद तेरी मौत है, इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। मेरे भाई वीर भाई शाह जी, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज के दिन यहाँ पे बुलाया। कार्यक्रम बहुत थे हर कोने में, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पर मेरा बहुत प्यार है इनसे, आपसे मिलना था, तो मैं आपके पास आज उस शुभ दिन के, आजादी के दिन के ऊपर आपके पास हाजिर हुआ। और मेरे बड़े भाई आहूजा साहब, गौरव जी, मनोज जी, और यहाँ पे मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे पिता समान राष्ट्रभक्त, सबको आज के दिन मैं वंदे मातरम कहता हूं। मैं जब अंदर आया तो आप अपने बच्चों को देखा, कोई शहीद आजम भगत सिंह, कोई राजगुरु सुखदेव, कोई मंगल पांडे, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज, को रानी झांसी, हाथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे। जब सबके अंदर मैंने जोश देखा तो मुझे वो बचपन का दिन याद आया, इन बच्चों को देख करके। मैं भी इसी तरह हरमंदर साहब के सामने जलियांवाला बाग, जहां कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियों को सीने पे खा के इस मातृ भूमि को आजादी लेके दी थी, और अपने ग्रैंडफादर के साथ एक छोटा सा बच्चा था, मेरा हाथ पकड़ के मुझे शाम को सैर के लिए ले जाया करते थे। और एक दिन अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला, ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जो इस मातृ भूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना चाहते थे, उनके ऊपर गोलियां और तोपों के बम फेंके गए थे। ये वो जलियांवाला बाग है, ये वो गोलियों और बमों के निशान है। मैं घर वापस आया, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक किताब और एक शहीद आजम भगत सिंह की किताब को लाके दिया। मैं काफी समय पढ़ता रहा, और जब मुझे इतिहास का पता चला तो फिर ग्रैंडफादर के साथ जाते हुए मैं उनको जहां गोलियां लगी थी उनको ले गया, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के उस लाल खून की मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी, आजादी इन्होंने लेके दे दी, अंग्रेजों की गोलियां खा करके सीने के अंदर, और कभी जिंदगी में वक्त आया इस आजादी की रक्षा के लिए मैं भी अपने सीने पे गोलियां खाऊंगा और इस मातृभूमि को बचाऊंगा। वक्त बदला, थोड़े बड़े हुए, जब 10th-9th class में हम पहुंचे तो हम अपने जो नौजवान स्टूडेंट थे, मोहल्ले के नौजवान थे, हमने उनसे सबसे पहले 15 अगस्त फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन मनाने का फैसला किया। कई वर्ष अपने नौजवान दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, जिस तरीके से आप हैं इस तरीके से वो इकट्ठे करके हम तिरंगा झंडा लहराते रहे, पर जो हमने शपथ ली थी वहां जलियांवाला बाग के अंदर, हमें मालूम नहीं था कि वो शहादत, वो खून, वो मातृभूमि, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा हमारा कभी इम्तिहान जरूर लेगा। क्या वो शपथ झूठी थी, शपथ सच्ची थी? एक दिन 15 अगस्त का जब दिन आया, आतंकवादी हरमंदर साहब के अंदर, जहां पे कुछ ऐसे आतंकवादी जो हरमंदर साहब की पवित्रता को भंग करने के लिए अंदर जमा हो चुके थे,
सुबह कह देते थे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, नागपुर हो, पंजाब हो, शाम तक कोई व्यक्ति नहीं बचेगा तो गोलियों से मार दिया जाता था। और पंजाब के अंदर उन्होंने ऐलान किया था यहां कोई हिंदू नहीं रहेगा, यहां कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, यहां कोई मुसलमान नहीं रहेगा, यहां सिर्फ खालिस्तान बनेगा। और हमने उनको उनके चैलेंज को आजादी के दिन 15 अगस्त को मंजूर किया था, जब उन्होंने कहा आजादी का तिरंगा झंडा अगर पिट्टा यहां लहराएगा तो बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। हमने वो जले वाला बाग की उस मातृभूमि की धरती पे जो शपथ ली थी, हमने कहा गोली चले या बम चले, हमने जले वाला बाग के अंदर उस लाल खून की मिट्टी पे शपथ ली है इम्तिहान का वक्त है, आजादी का तिरंगा झंडा यही लहराया जाएगा। हमारे पास उस एरिए के पुलिस इंस्पेक्टर आए, कहते इस वक्त अपना रास्ता बदलो। मैं कहा नहीं, ये खालिस्तान का झंडा नहीं, ये आजादी का तिरंगा झंडा है, ये उसकी आजादी की रक्षा की लड़ाई है, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। सुबह 5 बजे आतंकवादी आए और मेरे घर में बम फेंक दिया। बम इसलिए फेंक दिया कि हम आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर पाए, हम आजादी का दिन ना मना पाए। हमने बम चलने के बाद भी हमने आजादी का तिरंगा झंडा 12 बजे उस साने शौकत के साथ लहराया। और फिर आतंकवादियों ने कहा हम तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे, क्योंकि वो हजारों की तादाद में अंदर थे, हम तो कुछ नौजवान थे। हमने कहा ये तिरंगे झंडे को हमारे जीते जी को छू भी नहीं सकता। 5 बजे तक हम पहरा देते रहे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए सूरज डूबने के लगा तिरंगे झंडे को उतारा। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि वंदे मातरम भारत माता की जय तिरंगे झंडे के अंदर इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है, बम गोलियां भी उनसे दूर भाग जाते हैं, ये मैंने देखा। जब मेरे से कोई पूछता है कि 14 बार बम्बों गोलियों से हमले हुए तो पहला हमला कब हुआ, हम फख्र से कहते हैं आज के दिन 15 अगस्त के दिन 83 के अंदर आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए पहला बम चला था। और उसके बाद जब दीवारों के अंदर हमारे हिंदू भाई खालिस्तान का विरोध करने वाले और मजहबों धर्मों के लोग उनके खिलाफ जब नारे लिखे होते थे तो हम अपने दोस्तों के साथ स्कूटर साइकिल के अंदर एक काला रंग का डब्बा और एक चिट्टे रंग का डब्बा काले से मिटा करके चिट्टे रंग के लिखा करते थे भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक धर्म नेक वंदे मातरम हम लिखा करते थे। गोलियां चलती थी हमारे ऊपर पर हमारे अंदर से शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए एक ही आवाज निकलती थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भादुए का दिल में है और काफले को लेकिन चलते रहते। हमारा एक दोस्त जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ा लड़ता था वो एक गांव में रहता था, मैं उसको बहुत कहता था आप ज्यादा मत बोला करो ये मार देंगे। उसने कहा यह मातृभूमि की आजादी की रक्षा की लड़ाई है, इसके लिए जान भी चले जाएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वही हुआ, आतंकवादी आए, जब वो मेरे दोस्त को मारने लगे तो उसका भाई ने छीना चौड़ा करके आ गया, हो गया कहता पहले मुझे गोली मारो। पहले उसको गोली लगी फिर मेरे दोस्त को लगी और मेरे दोस्त की पत्नी के पेट के 6 महीने का बच्चा था। उसने कहा मेरे जीने का कोई अब मकसद नहीं, मेरा देवर भी चला गया, मेरा पति भी चले गए। उसने मिट्टी का तेल डाला और अपने आप को समाप्त कर लिया और भारत माता के चरणों में 3 लोगों ने कुर्बानी दे दी। ये आजादी की रक्षा की लड़ाई, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना बड़ा आसान है पर इसके रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, इसके रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें हैं। बड़ा आसान है वंदे मातरम भारत माता की जय, दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी बोला था वंदे मातरम भारत माता की जय, अन्ना हजारे भी बोले थे वंदे मातरम भारत माता की जय, और यही तिरंगे झंडे को लहराया जाता था।
शामिल थे, क्योंकि आपको पता था इस राष्ट्र को नई आजादी मिलने वाली है, इस राष्ट्र के अंदर आतंकवाद समाप्त होने वाला है, इस राष्ट्र के अंदर नया महात्मा गांधी आने वाला है, इस राष्ट्र के अंदर नया भगत सिंह आने वाला है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम भारत माता की जय तिरंगे झंडे को लेकर के आप सब उनके काफले में चल पड़े। हुआ क्या? जब हमने कह दिया मरना है तो मरना है, मैं आपके सामने हूँ, मौत का कफन बांध के निकलता हूँ, 14 बार हमले हुए, 70 बेगुनाह लोग मेरे सुरक्षा कर्मचारी मेरे साथ शहीद हो चुके, मैं बच गया तो वो मेरी किस्मत, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। अगर आपसे राष्ट्र से मातृभूमि के चरणों में वादा कर लिया मरना है राष्ट्र के लिए तो मरना है, उसके लिए कोई राजनीति नहीं। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते थे तो कहते थे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए फांसी का रस्सा खिंच जाता था। हमारा जवान जब मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जाता है तो अपने सीने पे गोलियां खाता है और वंदे मातरम कहता हुआ शहीद हो जाता है। और ये आज के क्रांतिकारी, एक वो क्रांतिकारी, इस आज के क्रांतिकारी अगर राष्ट्र के लोगों से मातृभूमि से वादा कर लिया हम इस राष्ट्र को नई आजादी लेके देंगे, इस राष्ट्र में बहनों के सुहाग उजड़ने नहीं देंगे, बच्चों को यतीम होने नहीं देंगे, तो कुर्बानी देने में कोई मना नहीं करता। पर जब मौत सामने आती है, जब भूख लगती है इन आज के क्रांतिकारियों के अंदर, तो फिर जूस मंगाया जाता है। जैसे जैसे जूस आता है वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए जूस पी जाते हैं, एक दिल्ली की कुर्सी सदा संभाल लेता है, एक महाराष्ट्र का गांधीवादी धक्का देके महाराष्ट्र में भेज, और दूसरी तरफ जब जेएनयू के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकवादी नारे लगाते हैं, कन्हैया नारे लगाता है, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, कारगर अफजल पैदा करेंगे, और यही क्रांतिकारी दिल्ली में बैठ करके तमाशा देखते हैं। ये एक वंदे मातरम भारत माता की जय है, एक आपकी वंदे मातरम और भारत माता की जय है। वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने ये राजनीति कभी नहीं की है। बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती है फांसी के मुद्दे के ऊपर, मैमन के मुद्दे के ऊपर, अफजल के मुद्दे के ऊपर बड़े बड़े लीडर खड़े हो जाते, मैं क्या मेरे से मेरा धर्म पूछ, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुआ, दोबारा कभी बम्बों गोलियों से इस मातृभूमि के चरणों में जीवन जाए। बजरंग बली के आगे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, मुझे 2 सेकंड का वक्त देना, वंदे मातरम और भारत माता की जय करता हुआ आपके चरणों में चले जाऊं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज हम जात पात मजहब धर्म के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, हम राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर फर्क डालने की कोशिश करते हैं। प्रथम राष्ट्र हमारा नारा होना चाहिए। को कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, को कहता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने खून दिया, हम इस मातृभूमि के चरणों में रहते हैं, इस मातृभूमि का हम नमक खाते हैं, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कितनी बड़ी शहादतें उन्होंने कुर्बानी दी। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह जी को याद किया जाए, शहीद आजम भगत सिंह जब संसद के अंदर इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए बम फेंकते हैं और भागते नहीं हैं, और उसके बाद 14 नंबर कोठरी जेल के अंदर बिठा दिया जाता है, उनके दोस्त उनको मिलने आते हैं, उम्र 23 साल, शहादत की फांसी की उम्र 23 साल, भगत सिंह को कहते हैं भगत सिंह तुम्हारी शादी कब होगी, और भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं अगर इस मातृभूमि की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त मेरे बराती होंगे। वो था नौजवान राजनीतिक भगत सिंह।
सिंह जी कोर्ट में ले जाया जाता है, जोर जोर से हंसते हैं। जज कहता भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव यहां हंसना मना है। भगत सिंह फिर हंसते हुए कहते हैं, जज साहब जब मुझे फांसी के फंदे पे लेके जाओगे, हंसते हंसते वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए फांसी का रास्ता खींचेगा, तब भी हमारी हंसी रोक लोगे। वो था भगत सिंह नौजवान, जिसने आपके लिए राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, पर उन्होंने जिंदा रहना अपना मकसद नहीं समझा। उसने कहा, हमारे जाने के बाद ही इस मातृभूमि को आजादी मिलेगी। पर आज दुख की बात, पीड़ा की बात, 23 साल की उम्र में जो भगत सिंह जी ने कहा वो आज सच हुआ। जब फांसी का रास्ता चूमने जाते हैं, उनके माँ से उनकी मुलाकात होती है, भगत सिंह की आंखों में आंसू होते हैं। माँ कहती, मेरा योद्धा भगत सिंह रो पड़ा, मैं बाहर जाके क्या कहूंगी, मेरा भगत सिंह मौत से डर गया। भगत सिंह कहता, माँ नहीं, मुझे एक तस्वीर नजर आती है, मेरे मरने के बाद ये भारत आजाद जरूर होगा, पर घोरे अंग्रेजों से आजाद होने के बाद ये लालू प्रसाद यादव जैसे काले अंग्रेजों के हाथों में भारत आ जाएगा। ये अपनी मां को कहा था भगत सिंह। आजादी, आजादी का दिन मनाना बड़ा आसान है, पर आजादी की रक्षा, हर कदम पे चलना, ये बड़ा मुश्किल है। ये मत समझो कि हर चीज का हल पॉलिटिशियन है, हर चीज का हल सरकार है। आपने क्या राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी निभाई है? एक एक व्यक्ति, मेरी बहन, मेरे भाई को सोचना हो। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बम्बू गोलियों से तो बच गया, मौत मेरी दोस्त है, बम गोलियां मेरे दोस्त हैं, पर मैं कई बार सिस्टम से घबरा जाता हूं। मुझे एक बार मूवर एंड शेखर ने सवाल पूछा, शेखर सुमन ने सोनी टीवी में 15 साल पहले, कि तो आपके ऊपर इतने बम चले, आपको मौत से डर नहीं लगता? मगर ना, मौत मेरी दोस्त है, जब बम्बों गोलियों से जाऊंगा मेरे बच्चे भी कहेंगे हमारा पिता राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, मेरे दोस्त भी कहेंगे हमारा दोस्त राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, मौत तो मेरी दोस्त है। पर मैं एक चीज से डरता हूं। उसने बड़ा हैरान होकर शेखर सुमन ने पूछा, जब मौत से नहीं डर तो फिर किस चीज से डर? मैं कह, जब बम्बू गोलियों से जाऊंगा मैं शहीद कहलाऊंगा, पर जब राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत आएगी, मेरी मौत और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मैं बम्बू गोलियों से मरना राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए मरना पसंद करूंगा। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ, बहनों के सुहाग उड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली है, आज वापस आएगी या नहीं आएगी, जो आतंकवादियों की गोलियों बम्बों का निशाना बन जाएगी। बच्चों से, ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को अलग करके हिंदू समाज के लोगों को गोलियों से मार दिया जाता था, पर हमने ये वादा किया था मातृभूमि से, अगर किसी हमारे हिंदू भाई को गोली लगेगी, पहले बिट्टे का सीना पार करके जाएगी। इस मातृभूमि के अंदर खालिस्तान नहीं बन सकता। जब जब खालिस्तान की आवाज उठी, हमने उनको चैलेंज किया, ये आजादी की रक्षा है। खालिस्तान ना बना था, ना बना है, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, और जब भी को खालिस्तान बनने की बात होगी, गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा। तो मैं आज के दिन आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूं, फिर कभी मौका मिला आपके पास होंगे हाजिर, और आपको यह जरूर कहूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए। मैं भी आपके सामने वर्दी के बगैर हूं, मैं राष्ट्र के अंदर पूरे देश की जिम्मेदारी जितनी भी मुझे मिलती है मैं चल नहीं सकता, पर अपनी मातृभूमि की आजादी की रक्षा की मैं जिम्मेदारी जरूर उठाता हूं। और आखिर में आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, और उन आतंकवादियों को, जो आतंकवादी रोज हमारे राष्ट्र को हमें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, चंद लोगों ने हवाओं में लगा रखी है,
अनजान की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। और आज के दिन फिर पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान को एक गोली चलती है हमारे जवान 100 गोली का जवाब देते हैं। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करके जाता हूँ, इस बोनस की जिंदगी के अंदर, मैं तो मर चुका कई बार, ये मेरी बोनस की जिंदगी है। हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।